डिंडौरी के कलेक्ट्रेट में होने की कर्मचारियों के परामर्शदात्री समिति की बैठक बगैर बैठक के वापस हुए कर्मचारी संगठन। डिंडौरी कलेक्ट्रेट में कर्मचारी संगठनों की परामर्शदात्री समिति की बैठक सोमवार को आयोजित किया गया था। कलेक्ट्रेट में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी निर्धारित समय 11 बजे से आकर बैठे रहे, लेकिन बैठक के लिए कोई भी अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों संगठनों को नहीं बुलाया गया और कर्मचारी आखिर में निराश होकर बैठक का बहिष्कार करते हुए चले गए, जिसके कारण कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई। आज आप लोगों को कलेक्ट्रेट बुलाया गया था, किस बात को लेकर बुलाया गया था और क्या हुआ? आज ये था, कर्मचारी संगठनों की परामर्शदात्री समिति की बैठक जो हर 3 माह में होती है, उसके लिए आज कलेक्टर महोदय ने बुलाया था यहाँ पर। लेकिन बैठक 12:30 बजे से रखी गई थी और लगभग 1:45 या 2 बज रहा है, बैठक के लिए कोई आया नहीं बैठक लेने के लिए। और ये कर्मचारी के साथ एक मजाक समझ में आ रहा है कि हम लोगों को बुलवा लिया, कोई बैठक लेने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, हमको बार बार बोल रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप विभागीय अधिकारियों से बैठक लें, विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हो, वो ये लोग करा नहीं रहे हैं। ये TL के दिन यहाँ बुलवा लेते हैं, सभी अधिकारी TL के बाद सब चले जाते हैं, तो हमारा आने का तो कोई मतलब नहीं। हम कर्मचारियों की समस्या लेकर के आते हैं यहाँ पर, वो समस्या पिछली बैठक में भी हमको बुलवाया गया था, वो समस्या हमारी पूरी की पूरी वहीं रखी हुई है। न किसी अधिकारियों को कोई सूचना दी, न उनको कोई निर्देशित किया, तो हम इसलिए आए थे और आज बैठक का बहिष्कार करके वापस जा रहे हैं।